फतेहपुर शेखावटी में मानसून ने दस्तक दी है। सीकर शहर में बारिश होने से तापमान 60 डिग्री गिर गया। तो वहीं रामगढ़ शेखावटी में खेत में पशु चला रही 70 वर्षीय वृद्धा की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। पलारा गांव में ट्यूबवेल की मोटर और ट्रांसफार्मर जल गए। मौसम विभाग की ओर से थंडर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फतेहपुर का रेलवे अंडरपास मुख्य सड़क से करीब 7 फीट नीचा है और इसके चारों तरफ टीले पर बस्ती बसी हुई है। इससे आसपास का सारा बरसाती पानी और टीले की मिट्टी अंडरपास में जमा हो गई है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं फतेहपुर की कि किस तरीके से जो बस है वो लगभग कह सकते हैं कि डूबी हुई है पानी में। और कहीं ना कहीं ये जो बारिश हुई है कितनी बड़ी समस्या लेकर आई है। हमेशा हमने देखा है कि जल भराव की जो समस्या है वो सीकर के इलाकों में नजर आती है, लेकिन तब अभी भी उसका कोई सोल्यूशन सामने निकल कर नहीं आ रहा है। लगभग हमारे संवाददाता राकेश गुर्जर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, अमूमन इसी तरह की तस्वीरें हम हर साल देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो जल भराव होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं निकासी के कोई प्रबंध, जो पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए, वो नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से बता दें आपको कि शेखावाटी में जो मानसून ने पहली दस्तक दे दी है और पहली बारिश में प्रशासन के दावे वादों की पोल खुल गई है और लगातार कई जगह देखा गया कि जल भराव है। जल भराव में ऐसी तो तस्वीरें हैं सामने आई कि दो गाड़ियां हैं, दो बसें हैं, एक निजी बस है, एक रोडवेज बस है राजस्थान रोडवेज की, तो पानी में फंस गई जिसमें सीटों तक पानी आ गया। ऐसे में काफी चीख पुकार मची, उसके बाद दो घंटे बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और उन बसों को निकलवाया। वहीं अगर बात की जाए शेखावटी के ही, रामगढ़ शेखावटी के एक 17 वर्षीय जो वृद्धा है पतासी देवी, उसकी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं अगर बात कर लें बलारा गांव की, तो वहां पर ट्यूबवेल की मोटर पर ट्रांसफार्मर ऐसे जल गए। तो ऐसे में लगातार जो हादसे हैं वो ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं। अगर पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो फतेहपुर का जो रेलवे इंटरपास है जहां पर दो बसें फंसी है, उसी रेलवे इंटरपास में पिछले 2 साल पहले भी यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद में भी अभी तक ये कोई इसका पुख्ता, इसके अलावा भी अन्य 3-4 घटनाएं इसमें सामने आई, लेकिन कोई लाखों रुपए खर्च हुए वहां पर, मोटर पानी की मोटर है वो बिठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हालांकि हुआ। पहली बारिश आई और हालांकि प्रशासन को ये करना था कि वहां पर बैरिकेड लगाने थे, लेकिन वो भी नहीं लगाए क्योंकि पहली बार इनका ऐसे में प्रशासन का भी ये है कि पहली बारिश थी, हमें अंदाजा नहीं था, लोगों को बस वाले की भी अंदाजा नहीं था। ऐसे में आमने जहाँ जो पुली फतेहपुर का ये रेलवे इंटरपास है उसमें एक बस जाने की जगह है, लेकिन दोनों बसों ने, दोनों ही ड्राइवरों ने सभी यात्रियों की जान खतरे में डालकर दोनों बसें एक साथ डाल दी, जिसकी वजह से वो पानी में रुक गई और पानी इतना ज्यादा था कि सीटों के ऊपर तक पानी आ गया। ऐसे में 2 घंटे तक लगातार जो लोग हैं डरे सहमे रहे, काफी इंतजार उन लोगों को करना पड़ा। बिल्कुल, और सभी यात्री उनका रेस्क्यू कर लिया गया है राकेश? बिल्कुल, निश्चित तौर से फतेहपुर के जो नगर पालिका के ईओ है अधिशाष अधिकारी नूर मोहम्मद खान है, नगर पालिका के अध्यक्ष मुश्ताक नजमी पहुंचे मौके पर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से दोनों ही बसों को निकाल लिया गया, सभी को सकुशल निकाला। हालांकि इसमें रोडवेज जो बसें हैं उनके जो चालक है उनकी भी काफी खामी यहां पर नजर आई। इसके अलावा अगर बात कर ले, काफी हादसे ऐसे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसी जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आती रहती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राकेश आपका।